तो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और आप भी अपने डिवाइस में जो स्टेटस बार है इसको हाइड करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो के थ्रू इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। काफी अच्छा अपडेट है, कई सारे यूजर्स को ये प्रोवाइड हो चुका है। और आपको पता है, जनरली ये जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें उन सभी डिवाइस के यूजर्स को सबसे ज्यादा ये अपडेट जो है रोल आउट किया जा रहा है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो के थ्रू मैं इसी टॉपिक के ऊपर जो मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप भी अपने डिवाइस में स्टेटस बार को हाइड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं रियलमी डिवाइस के यहां पे न्यू जो अपडेट है, मतलब कह सकते हैं स्टेटस बार का, इसको आप यहां पे हाइड कर सकते। देखिए, कई सारे यहां पे स्टेटस बार में आपको कई सारे यहां पे आइकन्स वगैरह मिल जाते हैं, तो यहां पे आप इसको हाइड कर सकते काफी इजी मेथड से। और हाईलाइट मतलब जो रहते हैं, अगर उसको आप हाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें जो यहां पे जो है रिमूव हो जाती है, मतलब हाइड हो जाती है हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे इसको हाइड करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहां पे आपको सेटिंग में चले जाना है। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का, सिंपल इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहां पे आपको स्टेटस बार का एक ऑप्शन मिलता है, इसको सिंपल यहां पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको कई सारे ऑप्शन जो है प्रोवाइड हो जाएंगे। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं स्टेटस बार आइकन्स जितने भी हैं यहां पे, मतलब सभी को आप हाइड कर सकते हैं वन बाई वन करके, ठीक है। अब आपको जैसे मान लीजिए रियल टाइम स्पीड मीटर यहाँ पे हाइड करना है तो ये देखिए हाइड हो गया, और ब्लूटूथ वगैरह हाइड करना है ये हाइड हो गया, बैटरी का परसेंटेज अगर आपको हाइड करना है तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डू नॉट शो पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको HD वॉइस कॉलिंग हाइड करना है तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे वो भी हाइड हो गया, और नीचे की साइड में आप वो वोल्टी का फीचर अगर हाइड करना चाहते हैं इसको भी हाइड कर सकते हैं। रिंग का फीचर यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ एयरफोन का जो फीचर इसको हाइड करना चाहते हैं ये भी करना चाहते हैं। और अलार्म का फीचर अगर आपने कोई अलार्म लगाया है उसको हाइड करना चाहते हैं तो वो भी हाइड हो जाता है। और यहाँ पे डेटा सेविंग है, अगर इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो ये भी हो गया। और यहाँ पे आप हाई परफॉर्मेंस मोड मिलता है, इसको सिंपली टैप करके इसको भी जो है हाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब पे हाइड करते हैं तो ये हो सकता है, और VPN पे हाइड करते हैं तो ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सभी चीज हाइड हो गया, और लगभग जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कई सारे जो चीजें मिल रही थी आपको अभी देखने को, वो सारी चीजें यहाँ पे हाइड हो चुकी है ऑलमोस्ट पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जो है हाइड करना चाहते हैं, और भी यहाँ पे कुछ मिलता है जैसे आपको टाइम वगैरह हाइड करना है, तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने क्लिक किया, टाइम भी हाइड हो गया, ठीक है। और ये देख सकते हैं कुछ आइकन्स वगैरह अगर आपको यहाँ पे हाइड करना है तो ये यहाँ पे डू नॉट शो पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरी चीज यहाँ पे हाइड हो गई, और बैटरी परसेंटेज आपको सिंपली इस पे बैटरी वाले ऑप्शन पे अगर आप मिलेगा तो वहां से आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे मिलता है, जिसकी तरफ से जो है आप यहाँ पे सारा स्टेटस बार कर सकते हैं। भाई पूरा क्लीन कर दिया आपने और पूरी तरीके से यहाँ पे हाइड कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पे हाइड होने का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे जो है कोई चीजें बंद हो जाए, डेफिनेटली वो चीज वर्क करते रहेंगे। जैसे वोल्टी यहाँ पे वर्क करेगा, आपका टाइम जो शो कर रहा है वो भी यहाँ पे चल रहा है, बट वो हाइड हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही कई सारी चीजें जो यहाँ पे रन तो कर रही है बट वो आपको हाईलाइट नहीं होगी, और ये डेफिनेटली ये चीज होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें ये जो है देखने को मिल जाती है, और ऊपर से जो है जो हाइड हुए हैं वो सारे वर्क करेंगे। अगर ब्लूटूथ वगैरह भी ऑन करेंगे तो दिखेगा तो नहीं, बट वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। देखिए, अभी ब्लूटूथ दिख तो नहीं रहा है, बट वो हाइड मैंने किया ना, इस वजह से ये आपको दिख नहीं रहा। जैसे कि ब्लूटूथ अगर मैं यहाँ से ऑन करूँ तो देख सकते हैं यहाँ से अभी आपको जो है सिंपल दिख जाएगा, ये देख सकते हैं ये आ गया, यहाँ पे ब्लूटूथ का सिंबल भी आ गया, ठीक है। तो मतलब ये अगर हाइड होता है तो हाइड होने के बाद भी आपको शो कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें होती है जो कि आपको इस वीडियो के थ्रू जो है मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कस की, और कहीं ना कहीं आपको इस चैनल के थ्रू मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाई। होपफुली आपको वीडियो जो है जरूर से पसंद आ गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप जो है शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।